Yes, sir. Yes, sir, I'll be there in 10 minutes. हाँ सर, गुप्ता जी की फाइल मैंने सर मैंने सुशांत को हैंड ओवर की थी फाइल. ओके सर, आई विल फिगर इट आउट. आई एम सॉरी सर. नेहा, वेयर इज माय ब्रेकफास्ट? हाँ हाँ बस हो गया, जाना मत. बेटा घर में राशन खत्म हो गया, मार्केट से लेते आना. बेटा बेटा घर में राशन खत्म हो गया, मार्केट से लेते आना. बेटा मैं तुमसे कुछ कह सुन लिया मैंने, लेता आऊंगा, बहरा नहीं हूँ मैं. और जो बात बात क्या रोक जमाती हूँ वो बंद करो मुझ पर. ये कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? और कैसे बात करूँ, ऑफिस में कम टेंशन है, जो आप और सर पे टेंशन बन के सवार हो. मैंने ऐसा क्या कह दिया तुमको? कभी आपने कुछ किया मेरे लिए? आज तक कुछ किया? जो कुछ किया बड़े भाई के लिए किया. और आज जिस पोजीशन पे मैं हूँ ना, उसमें सिर्फ मैं अपने अपनी बलबूते पर हूँ, उसमें आपका कोई योगदान नहीं. आज तक इस घर में जो भी होता है तुम्हारी मर्जी से होता आया है. बड़े भाई को तो आपने विलायत भेज दिया. कुछ किया मेरे लिए? कुछ सोचा मेरे बारे में? सोचा क्या करेगा ये? तुम कर रहे हो ना? अरे अरे शांत हो जाइए, घर में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है. को समझाओ इसे. शाहरुख खान यार बेस्ट. देखना ओए, अबे हटाना यार. अबे क्या हुआ, इतना अपसेट क्यों हो रहा है? बॉस ने प्रमोशन रोक दी क्या? भाई कुछ नहीं हुआ यार, शांत रहे, दूर रहे. बताना यार क्या हुआ? क्या बताऊँ यार, वही दोस्त का फैमिली ड्रामा है. घर पे माँ की सुनो, इधर बहुत सारा फाइल का ढेर लगा के रखा है. यार इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ, मुझे भी बढ़ती चाहिए. हाँ मनीष, कितना बीएचके है और रेंट क्या पड़ जाएगा करीब? अच्छा एक काम करो यार, शाम तक तुम मुझे लोकेशन क्या है और कितना रेंट पड़ जाएगा ये बता दो. यार थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा हाँ अर्जेंट है थोड़ा. ठीक है चलो. अबे ये सब क्या नया नाटक है? नाटक नहीं है, वही बार बार माँ की बातें याद आना. यार मैं फेड अप हो चुका हूँ. मेरी भी अपनी लाइफ है, जिंदगी है, मुझे अपनी फैमिली को आगे ले जाना है. इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं और नेहा माँ से अलग हो रहा हूँ. क्या? अबे ये सब डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लिया जाता है. तू सेपरेट होने की बात कर रहा है, तेरी माँ है यार वो. मैं अपना फैसला ले चुका हूँ और अब इसे कोई नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं. सर ये देखिए, बहुत ही बढ़िया फ्लैट है, पूरा वाइट वॉश किया हुआ रहेगा. सामान भी है सर, पूरा फर्नीचर भी है साथ में. किचन भी बहुत बड़ा है ये, हॉल बहुत स्पेशियस है सर. ये पूरा मॉड्यूलर किचन है. हाँ यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह रह रहे हैं, चले जाएंगे जैसे आप शिफ्ट होंगे. ये कमरा भी देखिए सर, बहुत बड़ा कमरा है, यहाँ पे भी रह सकते हैं. वैसे आप कितने लोग हैं? मैं मेरी बहन, हाँ दो लोग. अच्छा सर, क्या सर नहीं कुछ दो लोग के लिए तो सर ये परफेक्ट है वैसे. प्लान परफेक्ट है, हाँ 3 BHK प्लान है. तो सब में लॉक सिस्टम वगैरह है, सब अटैच बाथरूम है, बालकनी है, सब कुछ है सर. खाली होंगे लोग अभी घर से? सर ये कमरा लॉक है, इसमें असल में सर ओनर के माँ का थोड़ा सा सामान रखा हुआ है पुराना. अब देखिए सर, जब माँ थी तब तो उनकी बंदी नहीं थी, अकेली चली वहाँ पड़ी रहती. अब तो सिर्फ कमरा रह गया उनकी यादों के तौर पे, तो उसको बंद कर रखा है. ठीक है सर,
ठीक है फिर रूम मैं बता देता हूँ। हाँ सर बोल रहा हूं। क्या मैं आ रहा हूं अभी आ रहा हूं। डॉक्टर क्या हो गया माँ को? ये ठीक तो हो जाएंगे? सीढ़ियों से गिरने के कारण मेरी माँ की याददाश्त चली गई। उसे अब कुछ भी याद नहीं। वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठी। डॉक्टर के मुताबिक वो अल्जाइमर का शिकार हो गई। लेकिन जिस तरह का व्यवहार मैं अपनी माँ से करता आ रहा हूं, मैं खुद को दोषी करार करने से कैसे इनकार कर सकता हूं? ना तो मैं कभी उससे अब माफी मांग पाऊंगा, ना वो कभी मुझे माफ कर पाएगी। काश ये दिन कभी आया ही ना होता हमारी जिंदगी में। अब ये जख्म मेरे जहन में जिंदगी भर बहते रहेंगे, इन्हें कभी भी भरा नहीं जा सकता।